الحمد لله رب العالمين बीमा पॉलिसी नाजायज है, सिर्फ उस वक्त ये जायज है कि जैसे हम किसी गैर मुल्क में हैं, उनकी पॉलिसी है कि उसके बगैर हमारा कार्ड नहीं बनता, उसके बगैर लाइसेंस नहीं बनता, तो मजबूर है, पर आमदन अपनी रजा से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर जुआ भी है और सूद भी है। जुआ कैसे है कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और उसके बाद अभी मैंने उसकी 2 किस्तें भरी, में मर गया तो उनको तो पूरे पैसे 10 लाख देने पड़ेंगे ना। तो जुआ क्या होता है कि 100 रियाल डालो और 1000 कमा लो। और सूद इसलिए है कि मैं अगर 10 साल की मुद्दत में न मरा, जिंदा रहा, तो मुझे वो पैसे बाबा सूद के वापस करेंगे। तो लिहाजा सूद भी है और जुआ भी है, ये कैसे हलाल हो सकती है? ये तो डबल हराम है। हाँ, एक है कि मजबूरी है, बाद मुल्क ऐसे हैं कि वहां आप एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकते जब तक इंश्योर ना हो, वो मजबूरी है। अच्छा, वैसे भी हकीकत ये है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है ना, गौर करो ना, उसमें बड़ी हिम्मतें हैं। अब यानी पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनने 10-10 करोड़ की पॉलिसियाँ ली हुई होती हैं, उनसे बड़ी बड़ी हुसीना आलम शादी करती हैं, क्योंकि जल्दी मरेगा तो पॉलिसी तो मुझे मिलेगी ना। तो माना ये है कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है, कोई राज है उसमें।